आप लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही विस्तार से लोकतंत्र पर बात करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि लोकतंत्र सूचकांक आया हुआ है, उसमें हमारे देश की स्थिति काफी निराशाजनक रही है। यानी कि हमारी तुलना आप सोचिए कि पिछड़े हुए देशों से कर दी, और यहां तक कह दिया कि आप देखिए कि हमारे देश में पूर्णता लोकतंत्र नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, केवल वोट का अधिकार मिल जाना ही लोकतंत्र नहीं होता है, इसका दायरा बहुत दूर दूर तक होता है। आपको कितनी आजादी मिली हुई है, आपको कितनी सुविधाएं मिली हुई है, समझ रहे हैं हम। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्रिटेन की एक मीडिया संस्थान है द इकोनोमिस्ट, इसका एक यूनिट है इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या करता है कि जो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है ना, लोकतंत्र सूचकांक, ये जारी करता है। और 2020 का जो सूचकांक आया हुआ है उसमें हमारी स्थिति 53वीं रैंक रही है। कितनी? 53वें नंबर पर हमें रखा गया है। इस ग्रुप के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग जाएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा। यही ये लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स जारी करता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है, और लिखित परीक्षा में भी आपके क्वेश्चंस लोकतंत्र से कई बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा चर्चा में टॉपिक रहता है उसी से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और अभी आप देख भी रहे हैं कि हमारे देश में किस तरह से कई लोग कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म होने की ओर जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब कुछ जानेंगे हम लोग। 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तब भी आपने देखा है कि वो भी एक कारण था हमारी गिरावट में, हमारी सूचकांक में गिरने का। कहा जाता है कि वहां के लोगों को भरोसे में नहीं लिया, समझ रहे हैं आप लोग। तो इन सब पर बात करेंगे कि कौन कौन से कारण है इसमें गिरावट के, और क्या सुधार कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम अपने पड़ोसियों को भी देख लेंगे कि हमारे पड़ोसियों का नंबर क्या है, हमारे पड़ोसी किस स्थान पर हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 फरवरी 2021 को ब्रिटेन की मीडिया संस्थान द इकोनोमिस्ट, और द इकोनोमिस्ट की स्थापना हुई थी 1843 में। ग्रुप है इसका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है 2020। इसमें आप देखेंगे 165 देशों को शामिल किया गया है और दो क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। 60 संकेतकों के समूह से 5 पैमानों के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया गया है, ठीक है। तो 100 टोटल कितने आपके, 165 देश शामिल हैं इसमें सूचकांक में, और आपके दो क्षेत्र भी शामिल हैं, और 5 पैमाने को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। कौन कौन से पैमाने हैं? चुनावी प्रक्रिया एवं बहुलवाद, नागरिकों की स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति के आधार पर तैयार किया गया। और आपको एक बात बता दूं कि आपके प्रीलिम्स में हो सकता है कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ ले कि जो आपका लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है, किन आधारों पर जारी किया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, चुनावी प्रक्रिया एवं बहुलवाद, नागरिकों की स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी, और नीचे फिर 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ए भी सही है, 1, 2, 3 सही है। तो इन्हें सबको आप लोग आधारों को भी याद रखिएगा, और जब आप लोग लिखित में आंसर लिखेंगे लिखेंगे ना कहीं भी, तो वहां भी आप इन आधारों का उपयोग कर सकते हैं, इन पॉइंटों को आप लोग वहां भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस सूचकांक में 5 टॉप 5 देशों की बात करें, यानी कि सबसे ऊपर कौन है, तो इसमें आप देखेंगे नॉर्वे पहले नंबर पर है आपका, आइसलैंड आपका दूसरे नंबर पर है, स्वीडन आपका तीसरे नंबर पर है, न्यूजीलैंड आपके चौथे नंबर पर है, कनाडा 5वें नंबर पर है। और आपको बता दूं, अधिकतर जो आपके इंडेक्स आते हैं उनमें आपको यही देश टॉप पर देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता की बात कर लीजिए, खुशहाली की बात कर लीजिएगा,
यही देश आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जिस देश में अच्छा लोकतंत्र होगा, अच्छी स्वतंत्रता मिली होगी, सुविधाएं अच्छी मिली होगी, तो आप समझिए कि वहां लोग खुश भी तो रहेंगे, समझ रहे हैं। और इस सूचकांक में अगर हम लोग नीचे से टॉप की बात करें, यानी कि सबसे बुरी स्थिति की बात करें, तो इसमें तो एक उत्तर कोरिया हो गया आपका, 167वां स्थान है। और उत्तर कोरिया को आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया में किसी की अपनी स्वतंत्रता नहीं है, ना तो आपको बोलने की कोई आजादी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में तो आप देखते हैं कि बोल लेते हैं, अपनी आजादी प्रकट कर लेते हैं, आपको संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करेगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन उत्तर कोरिया में जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई भी राइट नहीं मिले हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और कांगो आप देखेंगे 166वें स्थान पर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 165वें नंबर पर, सीरिया 164वें स्थान पर, चाड 163वें स्थान पर। और आप सभी देखेंगे तो इन देशों की स्थिति बहुत बुरी है, यहाँ के लोगों की जीवन जो भी दैनिकचर्या है ये बहुत बुरी है, इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी है, ठीक है। तो आप लोगों को टॉप याद रखा करिए, और नीचे से टॉप कौन कर रहा है इन्हें याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इसी से आपके पूछे जाएंगे। और एक पॉइंट आप देखेंगे भारत की, अगर हम लोग बात करें तो 10 नंबर में से भारत को दिए गए हैं 6.61 स्कोर दिया गया है, यानी कि हमारा नंबर 53वें स्थान पर है। और पिछले साल की बात करें 2019 की, तो हमारा नंबर था 51 नंबर, यानी कि हमारे यहाँ गिरावट देखी गई है लोकतंत्र में। पिछली बार से हम देखेंगे 2 नंबर हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं कि आपकी सरकारें, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पिछली भी सरकारें जो रही हैं, अगर किसी इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी होती है तो उसका श्रेय खुद लेने लगते हैं, और जब अगर किसी इंडेक्स में भारत की स्थिति खराब है तो उसमें क्या कह देते हैं बोलो, कि इसने भेदभाव, इस जो जिस भी संस्था ने ये इंडेक्स बनाया हुआ है उसने भेदभाव किया हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप देखिए कि अगर गिरावट हो रही है तो हमें एक बार तो अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है कि नहीं। इस सूचकांक में आप देखेंगे भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि हमारे यहाँ स्वतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है, कुछ कमी है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका आपका 68वें स्थान पर है, और बांग्लादेश को देखेंगे 76वें स्थान पर, नेपाल को 92वां स्थान, पाकिस्तान को 105वां स्थान, और चाइना को 151वां स्थान। एक बार आप लोग देख लीजिए पड़ोसियों को, ये आप देखेंगे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इन्हीं की बात की जा रही है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारी स्थिति, हमारे पड़ोसियों से तो काफी अच्छी है, फिर मैं यही वही बात कहूंगा कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में सबसे 5 गधे बच्चे हैं, क्या आप उनसे अपनी तुलना करेंगे या टॉप पर बना हुआ है उससे अपनी तुलना करना पसंद करेंगे। तो आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हैं। अगर कुछ और देशों की बात करें तो इसमें यूके 16वें नंबर पर है, जापान 21वें, यूएसए 25वें, फ्रांस 25वें, और जर्मनी आपका 14वें स्थान पर है, यानी कि इन सभी देशों की हमसे स्थिति बेहतर है, लेकिन हमारे पड़ोसियों की स्थिति हमसे बुरी है। चाइना चले जाइए आप लोग, चाइना में लोगों की स्थिति क्या है, उनके अधिकारों की स्थिति क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह से उत्पीड़न होता है लोगों का, समझ रहे हैं आप लोग। बांग्लादेश में आप जाइए, आप लोग म्यांमार चले जाइए, आप देख रहे हैं कि वहां अभी बीच में तख्ता पलट भी हो गया था। तो ये हालत है हमारे पड़ोसियों की, लेकिन हमें तुलना करनी है अपनी तो स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन देशों से करनी चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम लोग किससे तुलना करेंगे, हम लोग पाकिस्तान से थोड़ी तुलना करेंगे, पाकिस्तान क्या है हमारे लिए, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसमें गिरावट के कारण कौन कौन से हैं और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। सीधी सा वैश्विक जो सर्वेक्षण हर साल आप देखते हैं कि आता है, इसमें लोकतंत्र में भरोसे में कमी और सरकार के भ्रष्टाचार पूर्ण रवैये और अक्षमता को लेकर नागरिकों की निराशा में भारी उछाल की
बात आई है, यानी कि लोगों का भरोसा नीचे जा रहा है। युवा लोकतंत्र लोग लोकतंत्र से सबसे कम संतुष्ट हैं, और उसी आयु में पिछली पीढ़ियों में व्याप्त रहे असंतोष की तुलना में और अधिक असंतुष्ट हैं। एक बात और आपको बता दूं यहाँ, देखिए आप लोग, कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आप अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन, मतलब अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो आपके अधिकारों को देखिए, आप लोगों को जेल में उठा के डाल दिया जाता है। आप लोग अगर कुछ बोलते हैं, तब भी आप देखते हैं कि आपके ऊपर उत्पीड़न किया जाता है आपका। समझ रहे हैं? आप एक सोचिए कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया था, एक लंबे अरसे तक वहां नेट व्यवस्था, नेटवर्क सेवा बंद रखी गई। एक ये भी कारण है। आप देखिए, गलत नहीं था, 370 हटाना जरूरी भी था, लेकिन आप देखिए कि भरोसे में लाकर। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे किसान, आपने देखा है 3 आपके कानून आए हुए हैं, लेकिन आपने देखा है कि किसानों को आपने भरोसे में नहीं लिया हुआ है, और आप कानून लाकर किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आपका किसान आंदोलन भी चल रहा है, एक ये भी कारण है। और दुनिया भर ने देखा है इस किसान आंदोलन को, कि सरकार सुन नहीं रही है। जिस सरकार को आपने चुना है, वही सरकार आपको पड़े रहने दे रही है। इसी तरह के कई और आंदोलन आपके हुए हैं, उस मामले में भी आपने देखा है। आप अगर कुछ बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको देशद्रोही या कुछ और संज्ञा दे दी जाती है। तो ये भी कारण है आपके। स्वीडन के बी डैम इंस्टीट्यूट ने अपनी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में अपनी स्थिति लगभग खो चुका है, और इसने भारत को सेरा लियोन, ग्वाटेमाला और हंगरी जैसे देशों के भी नीचे रख दिया है। तो इस रिपोर्ट में भी आप देखेंगे हमारी स्थिति निराशाजनक रही है। और आपको अगर लोकतंत्र की मतलब की बात करें, वैसे आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप बेहतर भी जानते होंगे, लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ की बात करें तो लोकतंत्र महज एक बटन दबाकर या बैलेट पेपर को चिन्हित कर अपनी प्रतिनिधित्व चुन सकने के अधिकार तक सीमित नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने वोट दे दिया, यहां तक सीमित नहीं होता है कि आपने लोकतंत्र आपको मिल गया, इसका दायरा उससे भी कुछ बड़ा है। इसका दायरा आप देखेंगे चुनाव परिणामों, बहुमत के शासन की गणतीय समस्या से भी परे है। यह स्वतंत्र न्यायालय या न्यायालयों या स्थानीय सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने के माध्यम से वैध शासन की स्थापना तक सीमित नहीं माना जा सकता है। लोकतंत्र में आप देखेंगे जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका है। यह भूख, अपमान, हिंसा से मुक्ति की बात करता है। अगर सही किसी देश में लोकतंत्र है अच्छी अवस्था में, तो आप देखेंगे लोग ना के बराबर भूख से, मतलब इस तरह की भूख की प्रॉब्लम होगी, वहां लोगों का अपमान ही भी नहीं किया जाएगा। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, सब बराबर रहेंगे। हिंसा से भी मुक्ति, अभी आप देखते हैं हमारे देश में कई जगह हिंसा भी होती रहती है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर आप देखते हैं हिंसा करते रहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में आपको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आप किसी भी लिंग से हैं, जन्म स्थान से, या आप लोग कोई भी है, आपको बराबर एक तरह से अधिकार मिले हुए हैं। आप देखते हैं कि हमारे देश में अभी भी महिलाओं को कम आंक कर देखा जाता है, या फिर निचली जातियों को भी आप देखते हैं कि हम लोग कम ही एक तरह से देखते हैं उन्हें। आप देखते हैं कि हमारे देश में भुखमरी चरम स्तर पर है, मतलब आप समझिए कि कुपोषण आप लोग सभी जानते हैं। कई बार आप देखते हैं कि न्यूज में आप लोग आर्टिकल में पढ़ते रहते हैं कि इतने लोगों की भुखमरी की वजह से जान गई हुई है, यहां अपमान किया जा रहा है। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि घोड़ी निचली जाति, यानी कि जो आदिवासी या आप देखिए जनजाति के जो लोग होते हैं, या एसटी एसटी में जो भी आते हैं, उन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे कई क्षेत्रों में, आप देखेंगे कि अगर आपको वहां से निकलना है, गांव के बीच से निकलना है, तो आप लोग चप्पल भी नहीं पहन सकते हैं, निचली जाति के लोग। इस तरह का भेदभाव अभी भी देखने को मिलेगा। ये भी हमारे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लोकतंत्र हर तरह के मानवीय और गैर मानवीय अपमान को अस्वीकार करता है। जिस देश में लोकतंत्र होगा अच्छी अवस्था में, वहां आप देखेंगे मानवीय और गैर मानवीय अपमान बिल्कुल नहीं होगा, सब बराबर होंगे, किसी का कोई अपमान नहीं होगा।
यह स्थितियों की स्त्रियों यानी कि महिलाओं के पिति सम्मान, बच्चों के पिति कोमल व्यवहार, रोजगार तक पहुंच जो आराम से रह सकने की संतुष्टि और पर्याप्त पिति फल लेकर आता है। और आप देखेंगे इसमें हमारे देश में काफी आप लोगों को असमानता देखने को मिलेगी। ये भी एक कारण है हमारा लोकतंत्र में गिरावट का। एक तरह से आप लोग सोचिए, आप देखते हैं कि आप लोग अगर रोजगार के लिए अगर आप आंदोलन करते हैं तो आपका किस तरह से उत्पीड़न किया जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा भी है, आजकल आप सोशल मीडिया पर सब कुछ देखते रहते हैं। बिहार की ले लीजिए, यूपी की ले लीजिए, एमपी की ले लीजिए, आप लोग जहां भी आंदोलन होता है उन्हें कुचलने का काम किया जाता है। तो ये भी हमारे एक तरह से लोकतंत्र में गिरावट का कारण है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिकों को पशुओं की तरह बसों और ट्रेनों में यात्रा करने, नालों के गंदे पानी से गुजरने या जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और ये तीनों हम देखेंगे हमारे देश में देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जहरीली हवा की बात कर लीजिए, दिल्ली में कहते हैं कि सांस लेना भी आप देखते हैं कि दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा हो जाती है। बसों और टनों की आप लोग हालत जाते हैं कि भेड़ बकरियों से भी हमारी स्थिति बहुत बुरी कर दी जाती है। नालों की अगर गंदे पानी की बात करें तो आप अपने शहर की व्यवस्था को जानते हैं, और अभी भी आप जानते हैं कि सफाई, गंदे नालों की सफाई करते वक्त जो निचली जाति के लोग होते हैं उन्हें ही को ये काम दिया जाता है एक तरह से, और उसमें कई लोगों की जान भी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये भी एक तरह से आपका गिरावट का आप लोग कारण कह सकते हैं। लोकतंत्र तो उपयुक्त चिकित्सा देखभाल तक एक समान पहुंच सुनिश्चित करता है, हाशिए में स्थित लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, कैसे हैं, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी मिलनी चाहिए। यहां भी आप देखेंगे एक गरीब आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल तक जाता है और वो दम तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि आपके देश में हम देखते हैं हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है। यही आप लोग शिक्षा की ले लीजिए, आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। और इसीलिए मेरा भी मानना है कि कम से कम आधारभूत सुविधाएं तो हर किसी को मिलना चाहिए भारत में। हर कोई भी समुदाय हो, कोई धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, आप देखिए कम से कम उनके बच्चों को शिक्षा तो मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसके अभाव में किसी का जीवन ना खत्म हो, रोजगार मिलना चाहिए। लोकतंत्र इस हठधर्मिता की अस्वीकृति है कि परिदृश्य को बदला नहीं जा सकता क्योंकि वे नैसर्गिक रूप से तय है। यानी कि अगर आप लोगों को देखना है कि ये सभी जो अर्थ हैं इसके, आप कह सकते हैं कि आधार हैं, इनकी स्थिति जिस देश में अच्छी होगी वहां लोकतंत्र की स्थिति बहुत अच्छी होगी। कि आपको कितनी स्वतंत्रता दी गई है। और आप देखिए एक नॉर्मल सा आप लोग लाइन देख लीजिए, अगर आपके देश में रोजगार होगा, शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी, आप देखेंगे आपको स्वास्थ्य व्यवस्था भी मिल रहा होगा, आपको बोलने की आज़ादी होगी, तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप लोग खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ लोकतंत्र का महत्व भी रहेगा, अवस्था भी ठीक रहेगी। नॉर्वे के बारे में आप लोग गूगल पर कभी सर्च करके देखिए ना, अभी तक मैंने देखा है कि जितने भी आपके इंडेक्स आते हैं उसमें आप देखेंगे आपका क्या नॉर्वे टॉप पर भी देखने को मिलेगा। नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया आपका। तो लोकतंत्र का असली अर्थ यही है, वास्तविक अर्थ यही है। अगर इनमें आपके देश में गिरावट देखी गई है या कोई कमी है किसी क्षेत्र में, तो आप समझ जाइए कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारे। ठीक है, एक तरह से आप लोग देखते होंगे कि इसमें लग रहा होगा आपको कि आपके देश की बहुत बुराई की जा रही है, लेकिन मैंने तो ये उनका मतलब आप सोचिए जो वास्तविक अर्थ है उसकी तुलना हमारे देश से करके देखी हुई है। हमारे देश में याद रखिए अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान से स्थिति हमारे यहाँ ठीक है, चाइना से स्थिति हमारे यहाँ ठीक है, श्रीलंका से स्थिति हमारे यहाँ ठीक है, बांग्लादेश से हमारे यहाँ स्थिति ठीक है। कम से कम हमारे देश में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की बुराई तो कर सकते हैं, आप देखते हैं प्रधानमंत्री को कुछ बोल पाते हैं आप लोग। यही काम आप चाइना में देखिए, चाइना में बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है।
वहीं आप लोग देखिए कि अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात कर लीजिए, आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी पाकिस्तान गए हुए थे। आज आप देखते हैं कि ना के बराबर उनका एक तरह से संख्या बची हुई है, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या मार दिया गया है। लेकिन हमारे देश में अभी भी आप देखते हैं कि सभी धर्मों को कम से कम संविधान पर तो भरोसा है। हो सकता है आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा ना हो, लेकिन संविधान पर तो आप भरोसा करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पर तो आप लोग भरोसा करते हैं। आप देखते हैं हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न धर्म, आप देखिए भाषाएं बोलने वाले लोग देखिए, फिर भी सभी एक हैं। समझ रहे हैं? तो ठीक है, मतलब हमारी पड़ोसियों से ठीक है, लेकिन गिरावट तो कुछ रही है, ये भी तो आपको मानना होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके लोकतंत्र में गिरावट के अगर कारणों की बात करें तो सरकार की विफलता, सरकार के विफल होने पर झूठी अफवाहों और संदेहों का प्रसार होता है, साथ ही सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और अनियंत्रित हिंसा की स्थिति बनती है। इसके अलावा नागरिक अशांति की आशंका प्रबल होती जाती है और सशस्त्र बल उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे ही सरकार ढुलमुल रुख दर्शाती है, सेना अशांति को दबाने और नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए बैरकों से निकल सड़क पर आ जाती है। लोकतंत्र अंततः उसी कब्र में दफन कर दिया जाता है जिसे उसने स्वयं धीरे धीरे अपने लिए खोदा था। आप देखेंगे मिस्र में, देख लीजिए थाईलैंड में 2014 में, म्यांमार और ट्यूनिशिया में 2021 में निर्वाचित सरकारों के विरुद्ध सैन्य तख्तापलट, ऐसे ही कुछ उदाहरण देखने को मिलेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों की बात हो या सभी देशों की बात हो, इनका लोकतंत्र में जो स्थान रहता है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। ठीक है, फिर आप देखेंगे हमारे देश में अभी अगर हम लोग थोड़ी बहुत तुलना करें अगर सरकार की विफलता की, तो आप देखेंगे कि किसान आंदोलन को आप लोग ले लीजिए, 370 में जो भरोसे की बात हो, मैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हटना चाहिए था, लेकिन आप देखिए भरोसे की बात एक अलग होती है। ठीक है, CA CA में आपने देखा, CA उसमें भी आपने देखा है किस तरह से आंदोलन हुआ, उसे दबा दिया गया, तो वहां भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। कमजोर होती संस्थाएं जब न्यायपालिका निंदा और राजनीतिक हस्तक्षेप और राज्य द्वारा उस पर नियंत्रण की पिति कमजोर पड़ती है, तब लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक नैतिकता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इस बीच में आपने देखा है कि कोरोना महामारी ने किस तरह से आपदा आई हुई थी, उस तरह उस समय आपने देखा है कि बीच में ना तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हस्तक्षेप किया था, आपने देखा है कि चुनाव आयोग पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हुए, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसमें भी गिरावट के कारण देखे जा रहे हैं, तो यहां भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सामाजिक आपात स्थिति, तो जब सामाजिक तानाबाना कमजोर पड़ता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है और लोकतंत्र एक धीमी गति की सामाजिक मिट्टी की ओर उन्मुख होता है। संविधान द्वारा नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की वादी के बीच सामाजिक जीवन में विभाजन और बिखराव नागरिकों में कानून के प्रति अविश्वास की भावना पैदा करता है। और ये स्थिति अगर आप लोग तुलना करेंगे हमारे देश में, तो आपको ये भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। समाज में असमानता, गरीब और अमीर के बीच संपत्ति का असंतुलन, दीर्घकालिक हिंसा, अकाल, असमान रूप से संसाधनों का वितरण भी इस नैतिक सिद्धांत का उपहास करते हैं। लोकतंत्र में लोग एक समान सामाजिक मूल्यों के नागरिक भागीदार के रूप में रह सकते हैं। संपत्ति के बीच असंतुलन तो आप लोग देखते हैं, हिंसा भी देखते हैं, अकाल भी देखते हैं। आप देखिए महामारी आई हुई है, कोरोना महामारी, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है? गरीब को। आपने देखा है अमीरों की संपत्ति में इजाफा देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं आप देखिए निचले तबके पर क्या गुजरी है। फिर आप देखेंगे बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता, घरेलू हिंसा, बदतर स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक असंतोष की व्यापक भावनाएं, भोजन की दैनिक कमी, आवास का अभाव लोगों की गरिमा को नष्ट करता है, यह लोकतंत्र की भावना उसके मूलभूत सार को समाप्त कर देता है। तो यहां भी आप देखेंगे कोरोना महामारी ने, आप लोगों ने देखा भी है स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह से थी, भोजन के लिए किस तरह से लोग एक तरह से, आवास के लिए देख लीजिए आप लोग, इससे भी आप देखेंगे अगर अपने देश में तुलना करेंगे तो जरूर फर्क आपको दिखाई देगा।
हाशिए पर स्थित लोगों की अनदेखी, नागरिकों के जवाबी हमले की क्षमता, जहां भी समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग के विरुद्ध लाखों विद्रोहों को जन्म दे सकते हैं, लोकतंत्र में ये गलत है। लेकिन क्रूर तथ्य यह भी है करुण, कि सामाजिक तिरस्कार, सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रुचि लेने और शक्तिशाली वर्ग पर अंकुश रखने, उन्हें संतुलित कर सकने की नागरिकों की क्षमता को कमजोर करता है। फिर आप देखेंगे भावना भावना प्रधान राजनीति, यहाँ लोकतंत्र के रूप से चुनी गई सरकारों को बदतर स्वास्थ्य, कमजोर मनोबल और बेरोजगारी से जीड़ हुए समाज के कमजोर वर्गों द्वारा उत्तरदायी ठहराया जाना बंद हो जाता है। भावनाओं की राजनीति करते नेता अदूरदर्शिता और अयोग्यता प्रदर्शित करते हैं और बे लापरवाह, मूर्खतापूर्ण और अक्षम निर्णय लेते हैं, जो सामाजिक असमानता को और मजबूत बनाता है। और अगर आप लोग इसकी तुलना भी अपने देश से करेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप देखिए, जहां हमारे देश में काम की बात ही ना हो, रोजगार की बात ही ना हो, शिक्षा की बात ही ना हो, स्वास्थ्य की बात ही ना हो, धर्म की, जाति की, इन पर ही वोट पड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। सरकार, मंत्रालय और निगमों और सार्वजनिक निजी परियोजनाओं में सत्ता का उपभोग करते लोग सार्वजनिक उत्तरदायित्व के लोकतांत्रिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। आपको अगर इस पर, मुझे लगता है, क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है तो बड़ा आप लोगों को एक तरह से सचेत होकर लिखना होगा, क्योंकि आप देखिए कि हमारे देश में काफी आपको देखने को मिलेगा, इन सभी पॉइंट की मिलती जुलती स्थिति जरूर मिलेगी आपको। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम अपनी राजनीति की बात करें या रोजगार की बात करें, लोगों की स्वतंत्रता की बात करें, हमारे पड़ोसियों से अच्छी है ये, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, इन देशों से करने जाएंगे, फिनलैंड, तो हमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखिए, इस आर्टिकल में यही दिखाया गया है कि भारत में आप देखिए सभी ये कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर भी आप देखेंगे पिसने चन्ने खड़ा दिखाई दे रहा है आपको। भावना प्रधान राजनीति की अगर हम बात करें तो यह तार्किक विचार है कि के बजाय आम लोगों की लालसाओं और पूर्वाग्रहों को संपोषित कर उनका समर्थन प्राप्त करने की राजनीतिक गतिविधियां या अभ्यास। यहां देखिए आप लोग एक तरह से इस तरह आप लोग ले सकते हैं, पूर्वाग्रहों का मतलब है कि आप किसी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के नाम पर आप लोग वोट इकट्ठा कर लेते हैं, समर्थन ले लेते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। अप्रभावी पुनर्वितरण, कमजोर वंचितों को पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी देने वाली पुनर्वितरणीकरण कारी लोक कल्याणकारी नीतियों के अभाव में नागरिकों के बीच लोकतंत्र का आदर्श कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र समृद्ध राजनीति शिकारियों द्वारा पहने गए किसी फैंसी मुखौटे या सा दिखने लगता है। समाज राज्य के अधीन होता है और लोगों से ईमानदार प्रजा के रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतना होता है। और इस लोकतंत्र में मुझे तो लगता है कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं गिरावट में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए कि हम भी तो करते हैं, उन्हीं नेताओं को चुनते हैं जो इस तरह की राजनीति, भेदभावपूर्ण राजनीति करते हैं। यहाँ कई आर्टिकल भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पर प्रश्न चिन्ह तो लगा है। देखिए, इन कुछ सालों में आप देखेंगे कि आपको दिखाई दिया भी होगा। अब इसकी डायरेक्ट बुराई करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। आगे की राय, इसमें सुधार कैसे हो सकता है? तो संवैधानिक पुनर्जागरण, यह न्याय निर्णय के एक कार्य के रूप में संविधानवाद के निरंतर सुधार और नवीकरणीय की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: संवैधानिक भावना, दृष्टि और अर्थ के प्रति आदर रखना, न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या इस तरह से करना जो इसकी लोकतांत्रिक भावना का महिमा मंडन करे और संविधान के प्रति एक शुद्ध श्रद्धा को प्रकट करे, सभी के अधिकारों का संरक्षण जिसका अर्थ है कि लोग वास्तव में संप्रभु और उन्हें केवल प्रजा या अधीन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, सभी प्रकार की सार्वजनिक शक्तियों को संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तत्पर होना चाहिए। फिर आप देखिए, संवैधानिक नैतिकता, यह संस्थाओं की अस्तित्व बने रहने के मानदंड और व्यवहार की अपेक्षा को निर्दिष्ट करता है,
जो ना केवल संविधान के पाठ की बल्कि उसकी भावना या सार की पूर्ति करे। ये शासी संस्थाएं और प्रतिनिधियों को उत्तरदायी भी बनाता है। प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं आप, जिन्हें नेता कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, यह भारत के लोगों के हितों और संस्थागत अखंडता को बनाए रखने के आलोक में न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या को संदर्भित करता है। आपने देखा है कोरोना के बाद जो स्थिति भयानक बनी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी भी देखी गई उस समय। आपने देखा है कई हाईकोर्ट ने अच्छे अच्छे निर्णय भी दिए, सरकार को फटकार भी लगाई हुई है। सुशासन, संविधान संबंधी न्यायिक अभिव्यक्ति और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अंतिम उद्देश्य एक सुशासन प्रणाली को सक्षम बनाना है। फिर आप देखें आलोचना, आलोचना की सुनवाई, सरकार को अपनी आलोचना सुननी चाहिए बजाय इसके कि वह इसे सीधे खारिज कर दे। लोकतांत्रिक मूल्यों को कमतर करने के सुझाव पर एक विचारशील और सम्मानजनक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। अभी आप देखिए किसी भी सरकार की बात कर रहे हैं, आलोचना कर दीजिए, आप पर क्या गुजरेगी, आप पर किस तरह के आरोप लगेंगे, आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। आप सोचिए कि किसान एक लंबे समय से आपने देखा है पड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं की जा रही है, तो लोकतंत्र पर कम से कम आप देखेंगे कुछ तो धब्बा लगेगा। फिर आप देखें कार्यकारी शक्तियों का नियंत्रण, पेरिस और न्यायपालिका लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं। प्रेस, जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं, और न्यायपालिका लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाते हैं। इन्हें किसी भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखे जाने की आवश्यकता है। और आप अपने मीडिया की तुलना अगर करेंगे तो आप देखेंगे मीडिया की क्या स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। और वहीं आप लोग नॉर्वे से तुलना करेंगे, आप लोगों ने मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक भी तो निकलता है मीडिया की स्थिति पर, उसमें भी आप देखेंगे हमारी स्थिति नीचे से हम टॉप कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्थिति बुरी बनी हुई है। मजबूत विपक्ष की आवश्यकता, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। विकल्प के अभाव में मनमानी शक्ति पर रोक लगाने का चुनाव का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। कहने का मतलब यह है, आप देखते हैं कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, यानी कि विपक्ष को इतनी सीटें नहीं मिल पाई किसी एक पार्टी को कि वो विपक्ष में नेता के रूप में बैठ सके। और आप सभी जानते हैं कि जब शक्ति किसी को मिल जाती है अच्छे से, तो वो निरंकुश बनने लगता है, वो निरंकुश हो ही जाता है। इसकी तुलना अगर आप लोग इंदिरा गांधी से करें तब भी आप लोग समझ सकते हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी को समर्थन था, उसके बाद आपने देखा कि इंदिरा गांधी ने किस तरह के निर्णय लिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। और आप देखिए कि वर्तमान सरकार को देखिए आप लोग, कि इसे बाहरी बहुमत मिला हुआ है, इसीलिए आप देखते हैं कि उसे वो आराम से राज्यसभा में भी कोई बिलाए तो उसे पास करवा लेती है, और लोकसभा में भी कोई बिलाए तो उसे भी पास करवा लेती है। समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा चर्चा ही नहीं हो पाती है। इन तीन कृषि कानूनों को आप लोगों ने देखा है बहुत अच्छे से, मुझे लगता है देखा होगा, इस पर ज्यादा चर्चा ही नहीं हो पाई, ना तो किसानों को भरोसे में लिया गया है। समझ रहे हैं, उसी का आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, और आप देखिए उसमें सुधार की बात होने लगी है। यही काम आप देखिए कि पहले आप लोग कर लेते कि किसानों को भरोसे में ले लेते, उसके बाद नियम कानून बनाते, तो इस तरह आप समझिए ना उन्हें रोड पर डला रहे, ना रोड पर ना रहते वो लोग, और ना ही आपको प्रॉब्लम होती, ना आपको नियम कानून में बदलने की कुछ आवश्यकता होती। और इससे आप देखेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि में नुकसान तो दिख रहा है, दुनिया भर इस आंदोलन को देख रहा है, ठीक है। और सामाजिक समानता, यदि पुनर्वितरण लोक कल्याणकारी नीतियां प्रभावी होंगी तो समाज में असमानता कम हो जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक समानता और समावेशी विकास बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और एक इसमें पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप लोग, हमारे लोकतंत्र में गिरावट में आपने अभी देखा है कि जो ये जासूसी के मामले आ रहे हैं, तो आप देखिए कि एक आपको अधिकार मिला हुआ है कि आपकी फोन की टैपिंग कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं, अगर ये सोचिए कि आप लोग क्लियर हो जाता है कि फोन की टैपिंग हुई है हमारे देश में, तो हम आप देखिए कि हमारे फोन हम कितना भी लॉक लगा लें, कुछ भी कर लें, पासवर्ड डाल लें, क्या हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो यहां भी माना जा रहा है। लास्ट में आप लोग यही कह सकते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र की प्रणालीबद्धता ने भारत के लोगों को लोकतंत्र के महत्व को समझने और उनके उनमें लोकतांत्रिक
संवेदनाओं को विकसित करने में मदद की है। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण है कि देश के लोगों के भरोसे को बनाए रखने और वास्तविक लोकतंत्र के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी अंग सद्भाव और सामंजस्य में कार्य करें। एक बात और आपको बताता हूँ, देखिए इसमें अगर आर्टिकल को आप देखें तो अब बड़ी बुराई ही बुराई आपको दिखाई दी होगी कि हमारे देश में आपको देखेंगे कि हर क्षेत्र में कमी दिखाई दी होगी। अगर इस तरह का टॉपिक कभी लिखने के लिए आता है आपके पास निबंध या क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा में या और भी कहीं लिखने के लिए आ जाता है या आपसे कहीं और पूछा जाता है तो आपको बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना होगा, क्योंकि आप ना तो सरकार की हमारे देश की पूरी तरह से आप लोग बुराई कर सकते हैं और ना ही आप पूरी तरह से उसका पक्ष ले सकते हैं। ये टॉपिक मुझे आरक्षण जैसा लगता है, रिजर्वेशन जैसा, कि ना तो आप लोग उसके मतलब बुराई बुराई देख सकते हैं रिजर्वेशन में, ना ही अच्छाई दे सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि पहले आप लोग रिजर्वेशन के बारे में 2 लाइनें लिख देते हैं, उसके बाद उसके सकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, नकारात्मक पॉइंट लिखते हैं, लास्ट में अपना निष्कर्ष भी दे देते हैं। तो यही बैलेंस आपको बना के इसमें भी रखना होगा। नीचे जो पॉइंट मिले हुए हैं आपको, ये आप लोग सकारात्मक की तरफ लिख देना, और गिरावट के कारणों में अगर आपसे पूछे तो आप लोगों को जो पहले पॉइंट बताए हुए हैं उन्हें आप लोग लिखना, और लास्ट में अपना निष्कर्ष लिख देना। मतलब बड़ा एक तरफा नहीं लिखना है। वो कहते हैं ना कि आप लोगों को अगर किसी मूल्यांकन पर पहुंचना है, यानी कि निष्पक्ष तरीके से किसी को देखना है, तो आप लोगों को न्यूट्रल होकर देखना होगा। अगर आप देखिए कि अगर आप लोग मोदी के पक्षकार होंगे तो आपको मोदी में कोई बुराई नहीं दिखती होगी, मोदी सरकार में, और अगर आप लोग विपक्ष में होंगे यानी कि आप लोग मोदी के विरोधी एक तरह से आप होंगे मोदी सरकार के, तो आप लोगों को कोई भी अच्छाई नहीं दिखती होगी, बुराई ही बुराई दिखती होगी। लेकिन आप लोग का क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठना है, आप लोगों को पेपर देना है, तो आप लोगों को बीच का रास्ता चुनना है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोदी साहब के अच्छे काम बताइए तो आप देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप देखिए प्रधानमंत्री जो खाते में जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजना, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोगों को बड़े सचेत हो, मतलब आप सोचिए कि बड़े जागरूक रहना होगा। मेरा तो ऐसा ही मानना है, क्योंकि ना तो हम किसी की बुराई बुराई लिख सकते हैं और ना किसी की अच्छाई अच्छाई लिख सकते हैं। इसीलिए तो आप देखते हैं ये आप लिख दिया जाता है कि मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो उसने तो बोल दिया आपको बड़ा मतलब जागरूक होकर लिखना होगा कि उसकी बुराई क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, समझ रहे हैं? चलिए खैर, बड़े अच्छे से देखिए, इसमें तो आपको अगर देखने को मिलेगा शुरू में बुराई ही बुराई दिखाई देगी आपको, और अगर आप लोग तुलना करेंगे, ये भी हकीकत है, अगर आप लोग तुलना अपने देश की नॉर्वे से करने जाएंगे, स्वीडन से करने जाएंगे, या आप लोग फिनलैंड से करने जाएंगे, कनाडा से करने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपको जमीन आसमान का फर्क जरूर दिखाई देगा। वहां आप देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, लोगों की स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मीडिया की स्थिति क्या है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ स्थिति निचले नीचे स्तर पर आप देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति आप देख ली है, कोरोना महामारी ने आपने देखी है कि किस तरह से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की धज्जियां उड़ी पड़ी हुई थी। तो ये भी तो एक कारण बनता है, अगर इसकी भी आप सोचिए, इसे भी आधार बनाकर देखा जाता है। तो खैर छोड़िए, क्या कर सकते हैं हम लोग, ना अपने देश की बुराई कर सकते हैं, वो हमारी, आप सोचिए कि आप लोगों की हालत तो वैसी है कि आगे कुआं उन्हें पीछे खाई, यानी कि आप लोग ना तो उनकी अच्छाई अच्छी अच्छाई बता सकते हैं, ना ही बुराई बुराई बता सकते हैं, यानी कि आपको बड़ा बीच का रास्ता चुनना है। अगर आपको बुराई लिखना होता तो आप लोग पहले जो हेडिंग दी हुई थी आपने उसी की तुलना लिख के आप लोग लिख देते लीजिए, लेकिन आपको बुराई ही बुराई तो नहीं लिखनी है, ठीक है? अगर आपसे गिरावट के कारण पूछता है तो आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे मूल्यांकन करने के लिए आता है, आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए आता है, तब तो आपको ध्यान में रखना होगा सब कुछ। खैर चलिए, आप लोग एंजॉय करते रहिए, मिलते रहेंगे हम लोग, और इस तरह के इंडेक्सों को आप लोग याद रखिए, करिए, जो संस्थाएं जारी करती हैं, टॉप पर कौन है, निचले स्तर पर कौन है, हमारे पड़ोसियों की हालत क्या है, हमारी हालत क्या है,
क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, या आप कहीं निबंध लिखते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां भी इन पॉइंटों को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है,